आज के इस वीडियो में ईडेरी आपको डेयरी प्लांट या इंडस्ट्री में यूज होने वाले डिफरेंट टैंक्स के बारे में बताएगा। दोस्तों, डेयरी इंडस्ट्री में टैंक्स कई पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। इन टैंक्स की कैपेसिटी भी वेरी करती है, जैसे साइलोज जो कि 150,000 लीटर्स कैपेसिटी के भी हो सकते हैं, वहीं स्मॉलेस्ट टैंक 100 लीटर तक के भी डेयरी इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। टैंक्स के फंक्शन के बेसिस पर डेयरी टैंक्स मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहली कैटेगरी है स्टोरेज टैंक्स, दूसरी है प्रोसेस टैंक्स। अब देखते हैं स्टोरेज टैंक्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले साइलो टैंक। ये टैंक्स मेनली मिल्क कलेक्शन और रिसेप्शन होने के बाद मिल्क को स्टोर करने के काम आते हैं। इनकी कैपेसिटी 25,000 से लेकर 150,000 लीटर तक रहती है, जो कि प्लांट के पर डे कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। साइज में बहुत बड़े होने के कारण उन्हें मेन बिल्डिंग से बाहर इंस्टॉल किया जाता है। ये टैंक अंदर से स्टेनलेस स्टील और बाहर से माइल्ड स्टील के बने होते हैं। कोरिजन से बचाने के लिए इन पर एंटी कोरिजन पेंट भी किया जाता है। कुछ साइलो इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से स्टेनलेस स्टील के भी बने होते हैं। इनमें मिल्क स्टोर किया जाता है, इसलिए लो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ये साइलो डबल सेल होते हैं, जिसमें 70 मिलीमीटर थिक मिनरल वूल इंसुलेशन किया जाता है। साइलो टैंक्स में वेरियस टाइप के लो स्पीड एजिटेटर भी लगे होते हैं, जो दूध में से क्रीम को अलग होने से प्रिवेंट करते हैं। नीचे आउटलेट की तरफ साइलो टैंक में थोड़ा स्लोप होता है, ताकि मिल्क की ड्रेनेज इजी और कम्प्लीटली हो जाए। दूसरा है इंटरमीडिएट स्टोरेज टैंक। ये टैंक्स भी सैलो टैंक्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इन टैंक्स की कैपेसिटी 1000 से लेकर 50,000 लीटर तक वेरी करती है। ये टैंक्स इनलाइन प्रोसेस और फिलिंग के दौरान टेम्परेरी स्टोरेज के काम आते हैं। इसमें दूध और अन्य कोई डेयरी प्रोडक्ट्स को केवल कुछ समय के लिए ही स्टोर किया जाता है। ये टैंक्स स्टेनलेस स्टील के साथ इंसुलेशन के भी बने होते हैं, जिसमें एजिटेटर और अन्य मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगे होते हैं। किसी कारण प्रोसेस स्टॉप होने पर भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को इनमें स्टोर किया जा सकता है। थर्ड टाइप है मिक्सिंग टैंक। साइलो और इंटरमीडिएट स्टोरेज टैंक्स में केवल लो स्पीड एजिटेटर ही यूज होते हैं, क्योंकि ये लो स्पीड एजिटेटर्स केवल मिल्क में क्रीम लेयर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, जबकि मिक्सिंग टैंक में मौजूद एजिटेटर की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। मिक्सिंग टैंक में प्रोडक्ट्स बनाते समय इंग्रेडिएंट्स को एजिटेटर की सहायता से मिक्स किया जाता है। ये टैंक इंसुलेटेड और सिंगल स्टेनलेस स्टील सेल के भी हो सकते हैं। एजिटेटर के साथ साथ इनमें भी टेम्परेचर कंट्रोल इक्विपमेंट भी फिट किया जाता है। डबल सेल मिक्सिंग टैंक मिक्सिंग के साथ साथ हीटिंग या कूलिंग के भी काम आते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस टैंक की। ये टैंक्स जनरली प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे राइपनिंग टैंक्स फॉर बटर क्रीम, कल्चर प्रोडक्ट्स जैसे योगर्ट के लिए फर्मेंटिंग टैंक्स, क्रिस्टलाइजेशन टैंक्स फॉर व्हिपिंग क्रीम और स्टार्टर कल्चर प्रिपरेशन टैंक्स एक्सेट्रा। ये टैंक्स भी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। इनमें भी मॉनिटरी और कंट्रोल इक्विपमेंट्स होते हैं। इन टैंक्स में एजिटेटर और इंसुलेशन हो भी सकता है और नहीं भी, यह टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और स्टोरेज ऑफ प्रोसेस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं बैलेंस टैंक की। यह भी एक तरह का प्रोसेस टैंक ही होता है, जो कि इनलाइन प्रोसेसिंग के दौरान यूज होता है। दोस्तों, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को इनलाइन प्रोसेसिंग में ट्रांसपोर्ट करते समय बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स में एयर और अदर गैसेस का इंट्रैप होना, प्रेशर ड्रॉप होना, सक्शन साइड पंप में फ्लो यूनिफॉर्म ना होना। इन प्रॉब्लम्स को बैलेंस टैंक फिट करके सॉल्व किया जा सकता है। बैलेंस टैंक में फ्लोट कनेक्टेड होता है, जो कि वॉल्व के साथ कनेक्ट होता है। फ्लोट नीचे जाने पर यानी लिक्विड लेवल कम होने पर वॉल्व ओपन हो जाता है और फिर से कॉन्स्टेंट हो जाता है। इस तरह फ्लोट के ऊपर आने से यानी लिक्विड लेवल ज़्यादा होने से इनलेट वॉल्व क्लोज हो जाती है और लेवल फिर से कॉन्स्टेंट हो जाता है, और इस तरह बैलेंस टैंक का लेवल और फ्लो कंट्रोल में रहता है। बैलेंस टैंक में इनलेट टैंक के नीचे से होती है, क्योंकि ऊपर से होने पर स्प्लैशिंग में मिल्क में एरेशन हो सकती है और एरेटेड मिल्क
फर्दर प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम कोज कर सकता है। बैलेंस टैंक में रिसर्कुलेटिंग सिस्टम भी होता है, जैसे मिल्क फ्लोट बैलेंस टैंक। इस टैंक में मिल्क रिसर्कुलेट किया जाता है जब तक मिल्क प्रॉपरली पास्चुराइज ना हो जाए। ये टैंक पास्चुराइजेशन यूनिट के साथ लगाया जाता है। बैलेंस टैंक भी कैपेसिटी के हिसाब से वेरी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा।